स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज के वीडियो में मेरे पास पांच कमाल के मेडिकल न्यूज है, जिसमें से फोर्थ जो है ना वो काफी तगड़ा है और आपको जरूर से देख के शेयर करना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट स्टडी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में ताकि आप सभी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। बट मैं वीडियो को आगे ले जाऊं उससे पहले, अगर अब तक आपने कोरोना का एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करवाया है तो करवा लो, उसकी इम्यूनिटी आपको 5 से 6 महीने आपकी बॉडी में रहती है एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो। मैंने करवा लिया है, आपको करवाना है तो लिंक 10% डिस्काउंट के साथ डिस्क्रिप्शन एरिया में है, जरूरतमंद को भी आप शेयर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला अपडेट है वो इंडिया के रिकवरी रेट से जुड़ा हुआ है। इंडिया का रिकवरी रेट जो है ना वो अब बढ़ के 87.56% हो गया है। आसान भाषा में 100 में से 87 लोग जो है वो कोरोना से रिकवर हो जाते हैं, उससे भी थोड़े ज्यादा। अगला अपडेट जो है ना वो जुड़ा हुआ है टीबी से, जो काफी अच्छा लगा मुझे सुन के। यहाँ पे अब तक की जो 2019 तक चलता है उसमें क्या था कि हर 100 में से 26 पेशेंट टीबी के इंडिया से पाए जाते थे। आसान भाषा में अगर पूरी दुनिया में 100 टीबी केसेस रजिस्टर होते थे ना, उसमें से 26 केसेस इंडिया में से होते थे। लेकिन जनवरी से जुलाई 2020 के अंदर ये नंबर जो है ना वो 25 से भी कम हो गया, मतलब 100 केसेस रजिस्टर होता है तो इंडिया में से वो 26 नहीं 25 से भी कम होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जरूर से है मेरे पास कि क्या आपको लगता है कि ये नंबर में गिरावट लॉकडाउन की वजह से है या फिर ये गिरावट लोगों में अवेयरनेस की वजह से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। अगले अपडेट की तरफ बढ़ता है जो इंटेल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इंटेल जो है वो IIT हैदराबाद, उसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट, उसके अलावा पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया से टाई अप कर रहा है ताकि AI रिसर्च लेबोरेटरीज कंडक्ट की जाए, जिसके तहत जो है वो लोगों को अच्छे से कंसल्टेशन मिल पाए। एम क्या है कि हमारे पास इंडिया में 1,000 लोगों पे 1 डॉक्टर भी नहीं है, अभी 1,000 लोगों पे हमारे पास 0.8 डॉक्टर्स अवेलेबल है जो काफी कम है, ताकि इसी तरह से AI रिसर्च करके या फिर लैब बना के या फिर AI कंसल्टेशन द्वारा जो है लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, इससे और क्या हो सकता है, आपको क्या आपका क्या सोचना है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा मेन अपडेट है कि क्या ब्रेस्ट मिल्क पीने से, मतलब बेबी जब ब्रेस्ट मिल्क पीता है तो उससे उसमें क्या कोरोना का ट्रांसमिशन हो पाता है। यहाँ पे अभी कोरोना के टाइम में जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं ना सभी के पर रिसर्च हो रहा है, जैसे ब्लड ग्रुप पे मैंने आपके साथ रिसर्च शेयर किया था, आज मैं यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क पे करने वाला। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च हुआ था जिसके अंदर 68 ब्रेस्ट मिल्क सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक सैंपल के अंदर वायरल RNA पाया गया है। लेकिन उसकी वजह से भी जो वायरल RNA पाया गया है ना वो बेबी के बॉडी के अंदर रेप्लीकेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से बेबी में कोई भी इन्फेक्शन देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में कंक्लूड करते हुए वहां के साइंटिस्ट ने ये बताया है कि यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क से ट्रांसमिशन होना वो पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो ब्रेस्ट मिल्क अभी भी सेफ ही कहलाएगा। और एक चीज यहाँ पे मैं खुद से ऐड करना चाहूंगा, खाने से कोरोना नहीं होता है। मान लीजिए आप कोई भी बर्गर खा रहे हो जिसके सरफेस के ऊपर कोरोना वायरस है, अगर आप उसे छूते हो और आपका हाथ यहां तक जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके माउथ के अंदर डायरेक्टली चला गया तो उसकी वजह से आपको कोरोना नहीं होगा, वो आपके बॉडी के एसिड उसे कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा रखता हूं कि ये ब्रेस्ट फिट वाला पार्ट आपको ठीक से समझ आया होगा, शेयर जरूर से कर दो क्योंकि काफी मदर्स को ये डेफिनेटली चिंता रहती होगी क्या ये खतरनाक हो सकता है या नहीं। बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट के बारे में, जुड़ा हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, जिसमें अभी के टाइम में ये साल जो है इंडिया रैंक कर रहा है 94th पोजीशन के ऊपर 107 में से, पिछले साल जो है वो रैंक में 102 नंबर पे था, मतलब जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा जैसे कि 107 है तो सबसे अच्छा कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे 102 था लास्ट ईयर, इस साल 94 हो चुका है तो कंडीशन थोड़ी खराब जरूर से हुई। आपको क्या लगता है कि ये कोरोना की वजह से कंडीशन खराब हुई है या फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही ऑप्शन होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए। आशा रखता हूं आज का मेडिकल न्यूज का अपडेट आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर से कर दो, नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।